मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें अपन राजस्थान का भूगोल की बात कर रहे थे। आज हमारा पार्ट जो 6 है इसमें अपन ऊंचावास की दृष्टि से मरुस्थल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, और जो बालुका स्तूप हैं इनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप जो हमारा कोचिंग है सक्षम क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। साथ में आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपन के मिशन को आगे बढ़ाते हुए। ऊंचावास की दृष्टि से जो मरुस्थल के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। ऊंचावास की दृष्टि से मरुस्थल के प्रकार 4 प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में अपन देखते हैं। पहला है, इसे बोलते हैं महान मरुस्थल। महान मरुस्थल एक प्रकार है ऊंचावास की दृष्टि से, किसका किसका ये मरुस्थल का एक प्रकार है जो भारत और पाक की सीमा है। भारत और पाकिस्तान, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसके आसपास। भारत पाक की सीमा के आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या, महान मरुस्थल। और दूसरा है चट्टानी प्रदेश है, कौन सा, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का मैप में अपन देखा था। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का चट्टानी प्रदेश। अपन बात कर रहे हैं किसकी, मरुस्थल के प्रकारों की। उसके बाद देखते हैं एक है लघु मरुस्थल, थर्ड पार्ट है इसका, वो है लघु मरुस्थल। लघु मरुस्थल जो है जो पूर्व में कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक है। जो अपन देखा है कि जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात के पास, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक जो विस्तृत है वो कौन सा है, वो है लघु मरुस्थल बोलते हैं उसको। और चौथा पार्ट है अशुष्क प्रदेश। ये तीनों पार्ट जो शुष्क मरुस्थल के अंदर है, और ये चौथा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इसके बारे में जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके मैं 4 पार्ट मैंने बताए थे, लूनी बेसिन, नागर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश, गगन प्रदेश, वो भी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो ये है लूनी बेसिन और शेखावटी को सम्मिलित करता है, मैंने आप बता दूंगा आपको इसके अंदर पूरा जो विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं आगे बालू के स्तूप क्या होते हैं, उनके बारे में बात की थी। जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है उनके बारे में बात की थी। और इसके आप आगे देखते हैं अपन कि जो बालुका स्तूप है इनके प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे जो बालुका स्तूप क्या है, इनके प्रकार क्या है, उनके प्रकारों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। मैंने बताया था कि जो पवन है, पवन चलती है वहाँ मरुस्थल के अंदर, उनसे चलने के कारण जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसे अपन बोलते थे बालुका स्तूप। और बालुका स्तूप के प्रकारों की बात करते हैं नेक्स्ट। बालुका स्तूप के प्रकार, इनके प्रकारों की बात करते हैं। तो प्रकारों में हम सबसे पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप। ये क्या होता है, नाम से देखो आप कि रेखिया, रेखिया मतलब एक रेखा में जो गमन कर रही है पवन, जो एक रेखा में जो अनुदैर्ध्य एक ही रेखा में जो 180 डिग्री है इनके ऐसे गमन कर रही है, इससे जो बालुका स्तूप का निर्माण होता है, जो पवन चल रही है इससे जो बालुका स्तूप का निर्माण होता है उसे बोलते हैं रेखिया अनुदैर्ध्य। जो बालुका स्तूप है कि क्या कि पवन की दिशा के जो समानांतर, समांतर वही होगा सीधी रेखा के अंदर, ये सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पे,
जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो जैसलमेर के अंदर, जो सर्वाधिक पाए जाते हैं कौन से, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक पाए जाते कौन से, रेकी या अनुदैत्य जो भालू का स्तूप है वो। तो अपन देख लेते हैं कि कैसे है ये, ऐसे देख लो, ये पवन की जो पवन चल रही है इसी के समानांतर जो इनका निर्माण होता है बालू का स्तूपों का, पवन के समानांतर जो निर्मित होते हैं इस प्रकार के जो बालू का स्तूप जो स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण होता है। ये पवन है, पवन चल रही है, इनकी दिशा के ही समानांतर जो निर्माण हो रहा है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, ये अनुदैत्य या रेखीय जो बालू का स्तूप है इस प्रकार के होते हैं। और ये जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक है ये आपको बता दूं मैं, ये आपको इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ आपको पता होगा, अनुप्रस्थ काट काटते हैं और चाप होता है वो किस प्रकार होता है कि अपन 90 डिग्री के एंगल पे अपन जो काटते हैं उस प्रकार, जो 90 इसी प्रकार हो गया कि जो पवन की दिशा है, पवन की दिशा चल रही है, ये पवन की दिशा के समानांतर न होकर इसके क्या होता है, समकोण पे ऐसे बनाते हैं, समकोण पे इस प्रकार जो बन रहे बालू का स्तूप वो कौन से हो गए, अनुप्रस्थ, वो हो गए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, समकोण पर जो बनते हैं वो हो गए अनुप्रस्थ। और ये सर्वाधिक कहाँ पे है, और सर्वाधिक ये किस कहाँ पे है, जगह की बात करें तो वह जगह है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो किस प्रकार के, अनुप्रस्थ प्रकार के हैं जो सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है। ये आपको मैं साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में आपके थोड़ा सा फायदा हो सके जितनी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी पीछे नहीं रहे, इस कारण मैं आपको डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया अनुप्रस्थ जो बाड़मेर में सर्वाधिक है किस प्रकार बनते हैं, वो इस प्रकार से बनते हैं। ये हो गए कौन कौन से हो गए, रेखीय हो गए, अनुप्रस्थ हो गए। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं बरखान। नेक्स्ट जो बरखान है, बरखान ये भी एक बालू का स्तूप का प्रकार है। इसे बोलते हैं जो पवन से निर्मित होते हैं किस प्रकार के, जो अर्धचंद्राकार होते हैं ये आकृति में, उनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार आकृति में निर्मित होते हैं उनको बोलते हैं अपन कौन से, बरखान बोलते हैं। ये किस प्रकार होते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊं तो इस प्रकार की इनकी आकृति बनती है चंद्राकार, इस प्रकार की इनकी आकृति बनती है। ये कौन से हो गए, बरखान बोलते हैं इनके। और इनकी बात करें जो इनके, देखो अपन की पवन की दिशा कौन सी हो गई कि पवन की दिशा ये हो गई, और ये तो देखो उत्तल लेंस की तरह आपको दिख रहा है, उत्तल लेंस की बात ही आपको दिखता है जो पवन की दिशा होती है उसके सामने। और ये जो पार्ट आपको वो दिख रहा है कि इसकी ऑपोजिट दिशा है ये बोलता है अवतल लेंस की तरह आपको दिखता है। किस प्रकार दिखता है, उत्तल लेंस की भांति, और दूसरा होता है अवतल लेंस की भांति आपको दिखता है कि अवतल ढाल होता है इस प्रकार के। इसमें क्या होता है कि दोनों भुजाएं जो होती हैं जो पवन जाने वाली दिशा की ओर निकली होती हैं, अपन को मैं बताया कि जो भुजाएं हैं जो पवन जाने वाली दिशा, मतलब ये दोनों भुजाएं हैं वो सेम हो गया अवतल लेंस उत्तल लेंस वाला, कि जो ये दिशा है ये पवन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में ये जो भुजाएं होती है वो निकली हुई होती है। किसमें होती है, बरखान या अर्धचंद्राकार जो बरखान जो बालू का स्तूप है उसमें, जो ये आपको बता दिया मैंने कि इसकी दिशा के अंदर जो निकली हुई होती है दोनों भुजाएं, ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में भी बात करता हूँ। ये सर्वाधिक आपको पहले तो आपको देखो जैसलमेर पाए जाते हैं, और उसी के अंदर बात करते हैं कि सर्वाधिक जो बरखान है वो सूरत का गंगानगर सेकावटी प्रदेश में एक गांव, इसका नाम है पालेरी गांव जो छुरू के अंदर उसमें, और जैसलमेर में सूरतगढ़ कहाँ पे है, जो सूरतगढ़ है वो कहाँ पे है, गंगानगर में। एक सेकावटी प्रदेश की बात करूं मैं,
और इसमें एक गांव का नाम है सिकावटी प्रदेश, इसका नाम है पालेरी गांव, कोई कहीं लिखा होता है बालेरी गांव। पालेरी गांव ये चूरू के अंदर स्थित है यहाँ पे। और तीसरा है जो जैसलमेर के अंदर इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है, किस प्रकार के बरकान के, वो सर्वाधिक जो पाए जाते हैं इन तीन जगहों पे पाए जाते हैं। अपन बात कर रहे हैं बालुका स्तूपों की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने सब समझाने की कोशिश की है। बरखान के बाद अपन देखते हैं सीप। सीप क्या होती है कि देखो, ये भी एक प्रकार का टाइप है। इसमें क्या होता है कि देखो, पवन की दिशा ये चल रही है, किसके ये चल रही है, ऐसे चल रही है पवन की दिशा। और एकदम क्या होता है कि पवन की दिशा इस प्रकार हो जाए, इसके ऑपोजिट हो जाए, तो फिर क्या होता है कि एक बार ये पार्ट है जो टूट जाता है, टूटने के बाद जो ये ऊपर वाला पार्ट एक निर्मित हो जाता है। तो इसमें जो निर्मित होने के बाद जिस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसके बोलते हैं सीप। तो ये क्या हो गया, जो पवन की दिशा जो विपरीत हो गई, ये चल रही थी इस प्रकार, लेकिन क्या हुआ कि इस प्रकार से होने के बाद नीचे वाला पार्ट टूट गया, तो उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसे बोलते हैं सीप। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आराम से बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को। सीप हो गया, और सीप के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं तारा स्तूप। तो नाम से आपको दिख रहा है कि तारा तारा स्तूप, और तारा की आकृति का निर्माण हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तारा स्तूप। सिंपली हो गया कि जो तारा स्तूप क्या होता है कि तीन से अधिक भुजा हो जाएगी, इसके विकास हो जाएगा, तीन से अधिक भुजाओं का विकास और तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण उसको बोलते हैं तारा स्तूप। और ये भी जो पवन की दिशा से बदलने के कारण, पवन की दिशा से दिशा बदलने के कारण इस प्रकार के जो स्तूप है उनका निर्माण होता है। किस प्रकार हो जाता है कि इसकी भुजाएं तीन पर ऐसे हो जाती है, तीन से अधिक भुजाओं का निर्माण हो जाता है, इस कारण इसे बोलते हैं तारा स्तूप। ये भी किस कारण होता है, जो पवन की दिशा होती है इनमें चेंज हो जाता है, तो उसके कारण तारा स्तूप का निर्माण होता है। ये भी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सेम है ऊपर जो बरखान पाए जाते हैं उसी जगह पे, सेम जगह वही है जहाँ पे इस प्रकार के तारा स्तूप जो है वो पाए जाते हैं। ये अपन ने बात की किस कितने प्रकार हो गए, रेखीय, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, सीप, तारा स्तूप हो गए। उसके बाद और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको कहूं कि ये सब है ना, जोधपुर एक ऐसी जगह है जहां पे ये सब प्रकार के जो बालू का स्तूप आ जाते हैं, कि नोट करके आप लिख सकते हो कि जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये हो गई। उसके बाद और कौन से हैं, जो परवलयिक, जो पैराबोलिक स्तूप होते हैं वो भी इस प्रकार के एक प्रकार है इनका, बालुका स्तूप का। कौन सा है, परवलयिक या पैराबोलिक? तो पैराबोलिक ये भी एक प्रकार का कौन सा है, जो बालिकाओं है, ये किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में बताऊं मैं। तो देखो कुछ भी नहीं, ये बरखान है, इसका उल्टा रूप बन जाता है, तो उसे बोलते हैं पैराबोलिक टाइप। कौन सा, ये बरखान है, ये बरखान इसका उल्टा रूप बन जाए तो उसे बोलते हैं इस प्रकार, ये पवन की दिशा के ऑपोजिट, पवन के क्या बन जाए, बरखान का उल्टा रूप, उसे बोलते हैं परवलयिक या पैराबोलिक टाइप जो बोलते हैं वो उसको बोलते हैं। ये बात हो गई इसकी। और एक और बात को, सब्र काफी बालू का स्तूप होते हैं ये अपन देखो कि जो मरुस्थल में, कौन सा, सब्र काफी, सब्र काफी क्या कहते हैं, मरुस्थल में झाड़ियां होती है, ये झाड़ियां हैं मरुस्थल के अंदर, और इनके पास जो बालुका स्तूप का निर्माण हो जाए, इनके पास झाड़ियों के पास, तो उसको बोलते हैं जो सब्र काफी
क्या बोलते हैं, सबर का भी, जो मरुस्थल में झाड़ियां हैं उनकी झाड़ियों के आसपास जो बालू का स्तूप का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं सब्र काफी, जो बालू का स्तूप होते हैं उनको बोलते हैं। ये हो गए। और एक पार्ट और बताऊं मैं, जो द्रियान या ध्रियान बोलते हैं, द्रियान या धीरियान, ये भी एक प्रकार का कि बालू का स्तूप क्या होता है कि अपने स्थान से ध्रियान स्थानांतरित हो जाए और दूसरी जगह पर चले जाए तो उनको बोलते हैं ध्रियान या धीरियान, बालू का स्तूप बोलते हैं, जो कौन से स्थानांतरित टाइप हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो तीन पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि वो क्या होते हैं। एक होता है कि मरुस्थल का मार्स, मरुस्थल का मार्स किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं कि मैंने जो आपको मैप बताया था, ये मैप राजस्थान का मैप बताया था मैंने आपको, ये अपन क्या है अरावली पर्वतमाला, और यहाँ पे क्या है जब बालू का स्तूप वगैरह है, और इनका क्या होता है कि जो मरुस्थलीय भाग है, ये मरुस्थलीय भाग और धीरे धीरे अरावली पर्वतमाला की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर भी मरुस्थल ये बढ़ रहा है, मरुस्थलीय पहाड़, इससे बोलते हैं मरुस्थल का मरुस्थलीय मार्च। क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय मार्च, यानी कि जो मरुस्थल है उसका अरावली पर्वतमाला की ओर बढ़ना उसे बोलते हैं मरुस्थलीय मार्च। क्या होते हैं आपको बता दिया उसे बोल। और जो पॉइंट है वो है कारवा या कारवा मार्ग या घासी किसे कहते हैं, कि जो रेत के टीले होते हैं जो बीच में जो निम्न भाग जहाँ मार्ग बनाया जाता है जाने के लिए आने जाने के लिए उन्हें बोलते हैं कारवा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ऊंट के काफिले चलते हैं और रेत की टीलों के बीच में, ये आपको देखो बताऊं मैं, ये आपको दो टीले हैं, ये दो टीले इनके बीच में जो भाग है आने जाने के लिए रास्ता बन रहा है उसे बोलते हैं कारवा या घासी बोलते हैं। जो क्या होता है ये पार्ट क्या होता है कि यहाँ ऊंट के जो ऊंट चलते हैं रेगिस्तान में और आने जाने के लिए मार्ग हो गया, ये कारवा ये घासी बोलते हैं। और एक पॉइंट और देख लो इसके अंदर, तो टाट या रन क्या होता है कि ये रेत के टीले हैं इनके बीच में ही तो क्या दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि, यहाँ देख लो ये भी रेत के टीले ही हैं, और यहाँ पे जो दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि, और इस भूमि को बोलते हैं टाट या रन। जैसे कि आपको मैंने देखा बाप का रन है जोधपुर के अंदर स्थित है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखे बाप रन, जो बीच में दलदली भूमि होती है उसको बोलते हैं ये। तो ये अपन गए, अपन ने बात की इसके बालू का स्तूपों के प्रकार की, और इम्पोर्टेंट बात क्या क्या थी उसके बारे में बात की, और दो चार पॉइंट और हैं वो भी अपन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद अपन ये रेतीले मैदान है उनके बारे में बात करेंगे। तो एक होता है अपन के देखो, एक होता है बॉलसन, क्या होता है बात करेंगे, बॉलसन क्या होता है, एक झील होती है पलाया झील, वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, बॉलसन के बारे में बात करेंगे पलाया झील के, और एक बोलते हैं बजादा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि बॉलसन क्या होता है। बॉलसन क्या होता है कि देखो ये एक गड्ढा है और इसके चारों तरफ क्या है पर्वत बने हुए हैं, तो इस गड्ढे को क्या बोलते हैं कि चारों तरफ जो पर्वत गिरे पर्वत से बने हुए हैं इस गड्ढे को बोलते हैं बॉलसन। किसको बोलते हैं?
कि चारों तरफ पर्वत हो और बीच में जो गड्ढा हो उसके बोलते हैं बोलसन। क्या बोलते हैं? बोलसन। और फिर क्या होता है, प्लायोजिल क्या होता है कि जो बोलसन होता है इसके मध्य भाग में एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा होता है, वहां पे पानी का जमाव होता है, पानी का जमाव होता है वहां पे, एक झील का निर्माण होता है पानी के कारण, उसे बोलते हैं पलाया झील। क्या बोलते हैं? पलाया झील, इसको बोलते हैं पलाया झील। ये तो गड्ढा हो गया कौन सा, उसको बोल दिया अपन ने बोलसन। और जो झील का निर्माण हो जाता है वो पलाय झील कहलाती है। और ये पानी जो कुछ ही समय के लिए, पानी जब बारिश होती है उस टाइम में रहता है, और धीरे धीरे उसके बाद ये सूख जाता है, तो ये बोलते हैं जो अल्पकालिक आप कह सकते हो, ये हो गया पलाय झील। और नेक्स्ट अपन का बात करें जो मजेदार क्या होता है, जो अपन देखो पर्वत के पास का भाग है और जो पलाय के बीच जो ढाल होता है, उस ढाल में जो जलोढ़ होती है, उस मिट्टी का जो जमाव हो जाता है उसको बोलते हैं कि देखो इस प्रकार हो गया जो ढाल होगा इसका, अपन देखेंगे तो डायरेक्ट पर्वत ऐसे होंगे और फिर ढाल होगा, और ढाल के बीच में और नदी के बीच में यहाँ पे क्या होता है, जमाव हो जाता है किसका, जलोढ़ का जमाव होता है। उस जलोढ़ के जमाव को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बजादा। जलोढ़ के जमाव को बोलते हैं क्या? बोलते हैं बजादा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बॉलसन के बारे में मैंने बताया, पलाय झील के बारे में बताया, बजादा क्या होता है उसके बारे में बताया, और जो आप सांपर झील आप देखते हो वो इसी पलाया झील का उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण की बात करें तो उसका उदाहरण कौन सा है? सांपर झील तो पलाया झील का उदाहरण है। ये अपन ने बात की जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप था, उसमें जो बालिका स्तूप थे इनके बारे में बात की अपन। अब इसको जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका विभाजन किस प्रकार है, उसके क्या क्या विशेषता है, उस विशेषताओं के बारे में आगे बढ़ते हुए अपन आगे देखेंगे। जो मैंने पहले पार्ट में अधिकतर जो मरुस्थल का पार्ट है उसके बारे में, रेतीले के मैदान के बारे में ही जो बात की है वो उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।